हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे लड़कियों में सफेद पानी आने के रीजंस के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लो कि सफेद पानी आना टोटली नॉर्मल है, हर लड़की को होता है। ये हमारे बॉडी का अपना तरीका है खुद को क्लीन रखने का। लेकिन अगर ये पानी ज्यादा होने लगे, गाढ़ा हो जाए या उसमें से बदबू आने लगे तो ये किसी बीमारी की निशानी हो सकती है। तो चलो जानते हैं इसके कुछ कॉमन रीजंस। पहला रीजन है हार्मोन बदलना। पीरियड्स के टाइम हमारे बॉडी में हार्मोन अप डाउन होते रहते हैं और ये सफेद पानी का बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन है वजाइना का इन्फेक्शन। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शंस भी सफेद पानी का रीजन बन सकते हैं। अगर उसमें खुजली, जलन या बदबू हो तो डॉक्टर को दिखाओ। तीसरा रीजन है तनाव। जी हाँ, तुमने सही सुना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हमारे हॉर्मोन्स को गड़बड़ कर सकता है जिससे पानी में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम भी सफेद पानी बढ़ सकता है। ये बॉडी का तरीका है खुद को इन्फेक्शन से बचाने का। तो दोस्तों, ये थे सफेद पानी के कुछ नॉर्मल रीजंस। याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेस्ट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।